अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर नाइन एनर्जी रिसोर्स सेकेंड पार्ट इन दिस सेकेंड पार्ट वी विल रीड अबाउट द कंजर्विंग एनर्जी बिफोर दिस वी हैव डन अबाउट द फ्यूल एंड एनर्जी वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हमने पढ़ा कैसे हम कोल ऑयल और नेचुरल गैस को ऑब्टेन करते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं नाउ वी विल रीड अबाउट द कंजर्व एनर्जी अब एनर्जी हम गेन कर लेते हैं बट वी हैव टू कंजर्व इट हमें इसको बचाना चाहिए बिकॉज सम एनर्जी इज रीन्यूएबल एंड सम एनर्जी रिसोर्सिस आर नॉन रिनीबल जिस तरह से अगर कोल्ड ऑयल और नेचुर गैस आर फॉसल फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड दीज एनर्जी रिसोर्सिस आर कॉल्ड द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस जब हम इनको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे वी कॉन्ट गेट इट बैक हम इनको दोबारा हासिल नहीं कर सकते सो वी हैव टू वेरी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग दीज फॉसिल फ्यूल्स वी हैव टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द एनर्जी हेयर दे हैव गिन अ सम रूल्स दैट वी हैव टू अप्लाई वायल यूजिंग द एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल uh, अप्लाइंसिस को ऑफ कर देना चाहिए वेन दे आर नॉट इन यूज एंड वी हैव टू यूज़ द एनर्जी सेविंग लाइट्स वी हैव टू प्रैक्टिस द थ्री आर रूल थ्री आर रूल मीन रिड्यूज री यूज़ एंड रीसाइकल रिड्यूज़ हमें कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए एंड रीयूज हमें बार बार चीज़ों को इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना कर लेना चाहिए एंड रीसाइकल हमें जो वेस्ट बच जाता है वी हैव टू रीसाइकल द मटेरियल हमें इनको रीसाइकल भी करना चाहिए एंड वी हैव टू ट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें अपनी अपनी गाड़ियों पर जाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए टू सेव द एनर्जी एंड वई हैव टू यूज़ द थिकर क्लॉथ हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए थिक uh, क्लॉथ जो है वो पहनने चाहिए सर्दियों में और थिनर क्लॉथ इन समर टू कीप अल और हमें रात को जो है जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए टू तो सेव इलेक्ट्रिसिटी और हमें डे लाइट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ऑल दीज आर द रूल्स टू कंजर्व एनर्जी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस क्या होते हैं ऐसे एनर्जी रिसोर्सिस जो हम बार बार गेन कर सकते हैं for example we can get the sunlight again and again wind running water and lot of other sources geothermal sources all these are the sources that we can get again and again and these resources are called the renewable energy resources द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी फ्राम लिविंग थिंग्स बायो मैस हम बायो मैस से भी एनर्जी गेन करते हैं वी गेट एनर्जी फ्राम प्लान मटीरियल वेजिटेशन वेस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स विच आर यूज एज फ्यूल बायो गैस क्या है देखें कुछ ऐसी नेचुरल गैसेज होती हैं जो हम नेचुर फोसल फ्यूल्स की फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं बट सम गैसेज डेट वी गेट फ्राम द प्लांट एंड एनिमल्स मैटर वन दीज मैटर रॉट इन द एबसेंस ऑफ द एयर वी गेट द गैस जब एनिमल्स का डंग एनिमल का जो डंग होता है उसको हम आ, जो है उससे निकलने वाली उसको हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म द बायोगैस उस एनर्जी को जब हम यूज़ करते हैं तो उस एनर्जी से हम क्या लेते हैं हम उससे हीट लेते हैं वी गेट द लाइट फ्रॉम द बायो गैस एंड इट इज वेरी सिमिलर टू द नेचुर गैस द अदर इज़ अल्कोहल एथनॉल एथेनॉल इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ अल्कोहल एंड दैट इज प्रोड्यूस फॉम शुगर केन जो शुगर केन कॉर्न से और दूसरे प्लांट से हम गेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फरमेंटेशन क्या है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को विद आउट एयर फरमेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फरमेंटेशन फ्राम द फरमेंटेशन वी गेट द एथनॉ एंड एथनॉल को हम एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं टू रन द मोटर वहीकल्स Our next topic is how do living things use energy? non living things need energy to move and work, but living things need energy to carry out the life processes. Upnindika bird they get uh, their energy in the form of food, and other animals also get energy from the food. So the food is our source of energy for all the living things. We depend on the food. Uh, जैसे गाड़ियाँ जो हैं वो डीज डीज़ल पर या ऑयल पर डिपेंड करती हैं फॉर देयर एनर्जी वी डिपेंड ऑन फूड फॉर एनर्जी हेयर यू कैन सी द ट्रांसफर फॉर एनर्जी फ्रॉम सन टू लिविंग थिंग्स दिस इज़ आर टाइप ऑफ फूड चेन ऑल्सो सन द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी सन एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द प्लांट प्लांट अपनी जो फूड बनाते हैं दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन दे गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट जब वो फोटोसेंथिसिस से अपनी फूड बनाते हैं वेन अदर एनिमल्स ईट दैट प्लांट जब एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स की स्टोर एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है जब उन्हीं एनिमल्स को आगे बड़े एनिमल्स खा जाते हैं तो उन एनिमल्स की एनर्जी दैन ट्रांसफर टू द अदर एनिमल्स बिगर एनीमल्स दिस इज़ आर टाइप ऑफ फूड चेंज ये देखा जाए डायरेक्ट अगर देखा जाए दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स बट व्हेन वी इनडायरेक्ट ऑब्जर्व इट दे आर ऑल दीज एनिमल्स ऑल दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग देयर एनर्जी फ्रॉम द सन सो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन गिव एनर्जी टू द प्लांट्स व्हेन अदर एनिमल्स ईट द प्लांट दे गेट एनर्जी फ्रॉम द द प्लांट इन डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे आर गेटिंग देयर एनर्जी फ्रॉम द सन